यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर एक दे रखा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर चार है, तो वैल्यू ज्ञात करनी है वन अपॉन ए प्लस बी सी प्लस वन अपॉन बी प्लस ए सी प्लस वन अपॉन सी प्लस ए बी। गौर से देखिए, देखो इक्वेशन दो है, वेरिएबल तीन है, वेरिएबल एक दो तीन है, तो किसी भी एक को मैं जीरो पुट कर सकता हूँ। जैसे मान लो मैंने सी को ही पुट कर लिया, यहाँ पे मैंने जीरो पुट किया, जैसे ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, यहाँ पे जीरो, जैसे ही सी को करूंगा ये जीरो हो गया, यहाँ पे ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो मेरे पास है वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन ए बी, ये बच गया। तो इसको मैं कैसे करूंगा, तो वन यहाँ पे ए बी कॉमन आ गया मेरे पास में, तो वन प्लस वन टू बाई ए बी आ गया। तो अब देखो ए प्लस बी बराबर ए देख एक दे रहा है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर चार दे रहा है, तो मुझे पता है ए बी कैसे ज्ञात करूंगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस थ्री ए बी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आएगा, एक आएगा, तो एक माइनस थ्री ए बी बराबर है ये ए चार की वैल्यू के बराबर, तो थ्री ए बी बराबर मेरे पास में आ गया माइनस थ्री ए बी बराबर माइनस का वन। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो ए बी की जगह, तो टू बाई माइनस वन बराबर माइनस टू, राइट आंसर।